जो आजकल के जनरेशन क्या ये बनेगी कसम से। चलो 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 चलो, चलो। Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel and to brand new video. कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे और फिट होंगे। तो वेलकम है जी आपका सैर्स क्रेजी वर्ल्ड में, और मैं हूँ जी आपकी हो सैर शिशफा। तो एक नए दिन में, एक नए व्लॉग में, कुछ नई बातों, नई चीज़ों के साथ मैं हो गई हूँ हाजिर। तो वेलकम हो गया है जी आपका हमारे व्लॉग में। और जी टाइम हो रहा है दोपहर के 2 बजे हुए हैं, ठीक है। टाइम मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें जी 2 बजने लगे हैं, ठीक है जी। और सुबह से क्या किया? सुबह से वही एज पर रूटीन, घर के काम शाम करवाए हेल्थ से, और घर नीट किया। और खाने में क्या बनाया है वो भी आपको बताती हूँ। और मैंने एक और आज काम किया, मैंने कहना अपनी सारी वार्डरोब सेट की है। ये देखना, ईद के बाद से ना सब बिखरा हुआ था, सो सारी वार्डरोब सेट कर लिया। और ये मैंने कहा आज मैंने करके ही फारिग होना है, क्योंकि ना इतने दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं करूँ, लेकिन मैं कर ही नहीं रही थी। और मैंने कर लिया ये काम, ठीक है। उसके बाद मैंने बनाई है बिरयानी, मैं जाती हूँ किचन में, आपको दिखाती हूँ। हुरैन भी आ गई है स्कूल से, उससे भी आपको मिलवाती हूँ। पहले चलते हैं किचन में, क्योंकि दम लगाने वाला है। और हुरैन कर रही है चेंज। हुरैन आप चेंज करो, ओके। तो मैं आपको इतनी देर बिरयानी दिखाती हूँ। सो ना ये है जी हमारे राइस, बस दम लगाने वाला है। सो मैं जब व्लॉग स्टार्ट कर लूँ फिर दम लगाते हैं। और यहाँ पर है जी हमारा बिरयानी का मिक्सचर। सो दम लगा दूँ जल्दी से, सो फिर आपके साथ गप्पे लगाती हूँ, हुरैन से भी मिलवाती हूँ। खाने लगी थी दम, मैंने कहा आप एक नज़र दम लगाते हुए भी दिखा दूँ। बिरयानी ज़्यादा हो गई है, पीला छोटा हो गया है। ये देखिए अब इसको ऐसे प्रेस ही करना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। इसके ऊपर मैं रख देती हूँ हमारा है ये मिक्सचर। ये देखें ऐसे, चलो अब अच्छा सा दम लग जाएगा। और आँच जो है हल्की कर देते हैं। तो प्यारी सी लड़की है, ये ट्राउजर नीचे गिराया हुआ बेटे आपने, मुंह तो धो लो। देखना पूरा वो इंस्टा का बनाया हुआ है, जूता, पाउडर, बॉडी स्प्रे और जैकेट और लिप ऑयल और हुरैन। चल जाके हाथ मुंह धो क्या हुरैन के, आप काम चेक करें जरा। फुल वो बनाया हुआ इंस्टा वाला। मैं कहती हूँ कि हमारे बच्चे जो आजकल के जनरेशन क्या ये बनेगी कसम से। उसने आके स्कूल से अपना पूरा वो प्रोटोकॉल सेट किया है, और फिर उसके बाद उसने ड्रेस चेंज किया, और अब ड्रेस चेंज करके तो मुझे कह रही है देखो इसको दिखाओ। और अभी सारी ममता भी आने वाले हैं, सलमान साहब भी घर हैं, लेकिन वो उधर कॉल पर मसरूफ़ हैं, तो इस वजह से मैं उस तरफ नहीं गई, उस रूम में नहीं गई। मैंने कहा वो कर लें बात। और फैन भी चलते हैं गाइज, अब शोर आया करेगा व्लॉग में, तो आप लोगों ने माइंड नहीं करना है और इस चीज़ को इग्नोर करना है और हमारे साथ करना है कॉपरेट, ठीक है जी। और हुरैन का डॉल ये देखें, हुरैन का केक सेट कितना ज़बरदस्त। रूम देखें ज़रा कैसा आज सेट करवाया मैंने, लेकिन ये ऐसे रहना नहीं है शाम तक, इसकी हालत जो है ना वो नासाज हो जानी है, क्योंकि अभी ये देखें यहाँ पे तो हुरैन ने आते ही चीज़ें बखेर दी हैं, बाकी तो सारा नीट ही था। बैग शैग सब देखें कैसा ज़बरदस्त रूम सेट करवाया था आज मैंने। और बस सारा दिन सुबह उठ जाती हूँ, सारा दिन घर सेट करती हूँ और खाना बनाती हूँ। नेक्स्ट डे जो है फिर वही काम होता है, वही रूटीन होती है। क्या जिंदगी है भैया भरी। जी गाइस माशाल्लाह से बिरयानी रेडी हो गई है, बिस्मिल्लाह। और मैंने ना हिला दी है, अपने लिए निकाल ली है, और फ्रेंड के लिए थोड़े सादा राइस निकाल लिए हैं, देखें क्योंकि ना वो फिर खाती नहीं है, सो दैट्स व्हाई। मज़ेदार सा सैलेड भी है, चलें जी अब यम यम करके खाएंगे। और वहाँ पे लगे हुए हुरैन के काजू। आ गए हो? हाँ, मेरे नाम है F86। अच्छा, हमें बारी बारी पता चल गया था, खुशबू आ रही थी बिरयानी बनी है, भाई मम्मा को ऐसे शो करेंगे जैसे हमें पता ही नहीं है कुछ बना भी है। पता ही नहीं है मुझे, पता था इन्होंने आते किचन में, हम खा रहे थे इतना खाना और आपका वेट कर रहे थे। बाबा फोन पे तो मैं बेटा चेंज कर दूं, चेंज करूं ड्रिंक है इसके साथ सारे चला यो बाबा की बैक टू बैक कॉल्स आ रही हैं, बैक टू बैक बंद हो गई, बैक टू बैक हमारा ब्लॉग बनना है। चलो ठीक है, दो चेंज करो जल्दी से, ठीक है फिर खाना देती हूँ। चलो One hour later. हां जी गाइस वेलकम बैक, और हम
लोग उठ गए हैं रेस्ट करके, तो आप कह रहे होंगे इतनी एनर्जेटिक हो जाती है। ये एनर्जेटिक इसलिए हो जाती है क्योंकि इस टाइम बैठे होते हैं मेरे सामने बच्चे, और अगर मैं एनर्जेटिक नहीं होंगी तो बच्चे तो बिल्कुल ही सो ही जाएंगे ना। तो इनको तो इतनी मुश्किल से पकड़ पकड़ के इस टाइम मैं उठाती हूँ कि उठो 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 उठो, और पढ़ने का टाइम हो गया। तो जी मैंने कहा मैं व्लॉग भी साथ कंटिन्यू कर लेती हूँ, इनको मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा दिया था, तो मैंने कहा अब व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ, साथ में पीती हूँ चाय और आप लोगों से लगाती हूँ गपशप। बिरयानी बड़ी ज़बरदस्त गाइस बनी थी, इतना मज़ा आया खा के हमें कि फिर खा के हम लेट गए सो गए और अब उठे हैं। और सारिम से आपको मैं तब मिलवा नहीं सकी, सारिम नहा के आया था, फिर सारिम को ना होश ही नहीं था, कोई बिरयानी थी और सारिम था बस। तो अब मैंने कहा आपको मिलवाती हूँ सारिम से भी, हम दस से और रैन से दोबारा से एक दफ़ा अच्छे तरीके से इंट्रो करवाते हैं उनका, और फिर उसके बाद बाकी की चीज़ें आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मिलवाती हूँ रैन से। नहीं आपसे मिल रहे हैं, हम बिरयानी खा ली थी हमदा, मजा आया गाइस, अच्छा खाना की बात नहीं वो बात आप हमारे साथ करियो कि सिस्टर के साथ। इधर फोन करके बात कर लो, तो हमें पता लग गया हम तो सच बोल रही है कि मम्मी सच बोल रही है कि नहीं। गाइस जो इतने मजे की बिरयानी बनी थी ना, ओए होए होए इतने मजे की बिरयानी बनी थी। चलो बस बस दम 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 मस्त हो गया। तो ले जी अब हमारा कैमरा गया है बड़े भाई जन सारिम की तरफ। सारिम हेलो, इतनी ऐसी आवाज नहीं एक्सेप्टेड। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अभी भी नहीं एक्सेप्टेड। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? बिरयानी खाई थी, कुछ बताओ यार, कोई एनर्जेटिक कोई एनर्जी शो करो, कुछ दिखाओ भाई। बड़ी सुगोच हूं है बात कर, मेरे को जानता नहीं, मेरे को पसंद आज इसको रात को नहीं देनी, आज इस रात में खाने में बिरयानी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये खाएगा तंदूर की रोटी ला के अचार के साथ, ठीक है, और इसे कल लंच में भी नहीं मिलेगी बिरयानी। अब इसको मिलनी ही नहीं है बिरयानी, बस वो मैं खाऊंगी, हमदा हुरैन और इनके बाबा खाएंगे। इसने कह दिया ना अच्छी नहीं बनी थी, ठीक हो गया सारिम, कह रहा ठीक हो गया। मेरा दिल मैं दे रहा हूं। नहीं अब हमारी भूख लग गई, हम इसे देंगे नहीं। खैर अब ना मेरी आंखें बंद हो ही जा रही है, आंखें खुलने की बजाय बंद हो रही है। उसका कारण क्या है, उसकी रीजन क्या है? ये है जी पंखा, क्योंकि ये चल रहा है और इससे मेरी आंखें हो जा रही हैं बंद बार बार, शटर ऐसे ऐसे। तो इसका मतलब है कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? आपकी चाय की, और मैं पीने लगी हूँ चाय, और नैना को बना के देते हैं क्या? चलो जी हुरैन पढ़ रही है और माशाल्लाह से हुरैन राइड कर रही है, और जी हमदा सारी मामला पर नहीं, आपको तो देना ही कुछ नहीं है, ना आपको बिरयानी मिलनी है, ना आपको कोई चीज़ नहीं मैंने देनी, आपने हेल्प योर सेल्फ करना है, किचन में जाएँ और जो मर्जी लेकर खाएँ। म्यूजिक, अकेली जब चाय कोई चीज़ पीने का दिल करे तो चीनी मुंह में डाल लेना, सालन का दिल करे मिर्चे मुंह में डाल लेना, नमक मुंह में डाल लेना, रोटी खाने का दिल करेगा तो आटा मुंह में डाल लेना। ओए ओए क्या होएगा, जामे शीरी नहीं मिलना, ठीक है ना? जिसको मम्मा का बनाया हुआ खाना ना पसंद आया तो वो बहुत पसंद आया, उसको पता चल गया कि ये तो मोहम्मद हो गया असल में। Really? Yes. Yeah, really, it was yummy. भैया तो मजाक कर रहा है और आप जो है ना वो तंग करने गया है मुझे किचन में कि मैं मम्मा पीछे भाग गया है, लेकिन इसको जाने दो, मैं आराम से ही जाती हूँ। तो क्योंकि उसको भी जामिश्री देना है भाई, मैंने दूध में डाल के देती हूँ उसको भी। तो खैर चाय शायद बनाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। दिखाओ शो मी, ये देखिए गाइस, ये होता है माँ का डर, ये होती है माँ की दहशत। जामिश्री ये पड़ा लेकिन इसमें नहीं डाला, क्यों? मैं डालने लगा था। हाँ डालने, वो केला ग्लास पी रहा था पानी का, मुंह को लगाया हुआ था और मुझे शो करवा रहा था कि मैं पी रहा हूँ। सारी मैं दूध में डाल के देती हूँ, ठीक है? दूध के बगैर दूध वैसे पी लूंगा, बगैर जमेश्री के। हाँ फिर पिया नहीं जाना आपसे, दूध में डाल लो, रुक जाओ मैंने रख दी है, ठीक है। हम बाहर से होके आते हैं, ठीक है, बाहर से आपको दिखा के लेके आते हैं कि बाहर आज क्या सीन है और वेदर कैसा है। सो लेट्स गो, अभी आ गई है मेरे साथ भाग कर बाहर देखने, और वाह बाहर का वेदर, बारिश वाला नहीं है, वैसे ही है, सनी डे है। कीचड़ नहीं, वो किसी ने अपना धोया होगा उसका। ये देखो जी हवा चल रही है और ये हो रहा है। चलो आ जाओ हम स्टडी कर लेते हैं ना, फिर खेलेंगे बाहर आके, ठीक है? मेरी चाय भी बन गई होगी, बाहर ही हूँ मैं और आगे नहीं आना मैंने। जो ब्लैक गाड़ी है ना वो धुल रही है। अच्छा ओ आगे
वहाँ क्या है, ब्लैक गाड़ी के पास क्या है? चलो आज धुल रही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये भाग के आगे आ जाओ, चाय मेरी खत्म हो गई सूख के, आ जाओ जल्दी से, चलो 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 आपने क्यों डराया उसको? अच्छा किया उसे मारने जा रहा हूं। बुरी बात सारी। आज गाइस देखेंगे कि सारिन के साथ घर में क्या हुआ। आज के ब्लॉग का टाइटल कल तो था ना, हुरैन के साथ स्कूल में क्या हुआ, आज सारिन के साथ घर में क्या हुआ, क्या मसला है सारिन? ना कहना बेटा दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी, इतना बड़ा मुंह है। ये मेरी चाय आ गई है गाइस, और ये देखें ये मेरी कलियां जो सारी मेरे लिए लेकर आया था ना सुबह। वाओ इधर आइयो करके, ओ बुरी बात, मम्मी का नहीं पता चला है, हम दादा भी ले आना था, हम मैंने खुद भी नहीं लिया। अच्छा मैंने बबल लेनी है, बूम बूम बबल लेनी है, नहीं बबल नहीं लेनी, चल ले लो फिर एक मेरी भी ले आना, चाय गिर जानी है मेरी बबल आ गई, बिरयानी बना के इतना थक गई कि हमदा मुझे कह रही थी कि मामा आप मामा ना बनती, आप मामा क्यों बनी हो, तो मैंने हमदा से कहा है कि अब जब खाना बनाना होगा ना तो मैंने मामा नहीं बना करना, मैंने अपनी मम्मा पापा की बेटी बन जाया करना, सैरिश छोटी सी सैरिश बन जाया करना, मैंने अपनी मम्मा को कहा करना मुझे खाना दे दो मम्मा, और मैंने हमदा की और सारी मर हुरैन तीनों की मामा नहीं बना करना, अब इन्होंने मुझे आइडिया दे दिया, अब ऐसे हुआ करेगा इनके साथ, ठीक है ना सारिम? हारिम तो बड़ा नॉन सीरियस होके देता है कि मोए मोए हो ना मम्मा की, और मम्मा ऊपर फनी मीम लगाए, हारिम बड़े एक्शन आ गए, मैं बड़ा और है ना, तो अब मम्मा के साथ जो है ना वो मस्तियाँ करता है, तो हम दाती है ना वो आपको बताएगी। मैं भी बताओ सही है ना, बना करूँ मामा हुँ? खाना ना बनाया करूँ, तो आपको खाना कौन बना के देगा? बाबा। अरे अल्लाह बाबा से सब बाबा का खाएंगे बनाया हुआ। बस ठीक है जी है हमदा, आप बताओ अगर मैं आपकी मामा ना बनूं और आपका खाना ना बनाऊं तो फिर आपको खाना कौन बना के देगा? कोई भी नहीं देगा, फिर आप कहाँ से खाना खाओगी? बाहर से ओए अल्लाह, होटल से नहीं, बाबा से। ओए बाबा से, उन्होंने ना स्कीम पूरी सोची हुई है, पूरी स्कीम उन्होंने सारी की जान निकली, हमदा ने मोबाइल क्यों पकड़ लिया, उनकी ना उन्होंने पूरी स्कीम सोची हुई है कि बाहर से खाना दिया करेगा और मम्मा खाना ना बनाया करें। गुड आइडिया, गुड लड़कियों, आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दे दिया है लड़कियों, थैंक यू लड़कियों। आज से मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ, मैं सैरिश हूँ, अपनी मम्मा पापा की छोटी सी क्यूट सी बेटी नीनी मुन्नी सी, जैसे आप हो, ठीक है? हाँ जी गाइज, अब ये लोग हमें आज की अच्छी बात बताने लगे हैं, तो सबसे पहले बताएगी हुरैन आज की अच्छी बात, तो बताओ अच्छी बात, बताओ की बारी है, सारिम बताएगा आज की अच्छी बात, चलो बताओ। जिसने वादा खिलाफी की उसका कोई दिन नहीं, थोड़ा ऊंचा बोलो आवाज नहीं आती ना, जिसने वादा खिलाफी की उसका कोई दिन नहीं, बिल्कुल जिसने वादा खिलाफी की उसका कोई दीन नहीं है, भाई वो मोमिन ही नहीं है जो अपना वादा पूरा नहीं करता। मिसाल हम कैसे ले सकते हैं, हम इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि जैसे सारी मेरे साथ वादा करता है कि मम्मा मैं ये वाला काम करूंगा और फिर झूठ बोलता है, या अपने किसी फ्रेंड से कोई चीज़ लेता है और उसे कहता है मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, लेकिन उसको वापस नहीं करता, उससे वादा तोड़ देता है, तो उसका दिल कितना दुखेगा। तो जो इंसान वादा खिलाफी करता है या वो झूठ बोलता है वो तो मोमिन ही नहीं होता ना, वो तो मुसलमान ही नहीं है, मुसलमान लोग तो झूठ ही नहीं बोलते, और वो तो वादा खिलाफी भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसे होते हैं भी मुसलमान जो करते हैं, जो वादा खिलाफी करते हैं,
लेकिन वो फिर मोमिन नहीं होते ना, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं हमारी क्लास के, एक ही चीज़ें पॉइंटेड, वो बच्चों की बात नहीं होती ना बेटी, ये बड़ी बड़ी चीज़ों की बात होती है। लेकिन बच्चे, बच्चों से ही इंसान बड़ा होता है और बचपन से ही इंसान को अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। और ये बचपन से ही आदतें सीखनी चाहिए, बचपन में ही जो अपना वादा खिलाफ करने लग जाएगा तो वो बड़ा होकर तो ऑफकोर्स करेगा ही करेगा। और इसको चेक करो जरा, चेक करो जरा, इसको चेक करो, इसको चेक करो। A few moments later, जी गाइस, मैंने ना अब स्किन केयर कर लिया, फ्रेंड ने पढ़ लिया था, सारी मम्मी पढ़ रहे थे अभी, तो मैंने कहा कि ये पढ़ते रहे बैठ के तो मैं अपनी स्किन केयर कर लूँ। तो घर की इतनी टफ रूटीन में से ना मैं अपने लिए टाइम निकाल ही लेती हूँ, अपनी स्किन केयर के लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं ना, स्किन मेरी काफ़ी वो हो रही थी डैमेज ना, क्योंकि अभी गर्मी आ गई है और जब हम कुकिंग करते हैं जो फीमेल्स, तो स्टीम पड़ती है फेस पे, उससे हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो इतना मसला बनता है ना, तो उसकी वजह से हमें स्किन केयर करनी पड़ती है। और फिर मैंने अब घर में ही स्टार्ट की हुई है, और पहले भी मैं करती रहती हूँ, लेकिन आज तो मेरा ना बहुत रेड रेड सा नोज़ मेरा रेड हो जाता है, चिन रेड सी हो जाती है और बारीक बारीक से दाने से बन जाते हैं, जैसे एलर्जी होते हैं ना। सो उसके लिए फिर मैं जो है वो अपनी स्किन केयर कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो मैंने कहा मैं ये लगा लूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ, ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि घर में जितने मर्जी काम हो, जो मर्जी हम कर रहे हों, हमने अपना आप नहीं छोड़ना है, अपनी स्किन केयर करनी है, बच्चों के साथ साथ खुद को भी टाइम देना है, घर को भी टाइम देना है, सारे काम साथ साथ ही करते रहने हैं। और रैन ने पढ़ लिया था, रैन फ्री होके ये बैठी हुई है तो रैन अब अपने केक सेट के साथ खेलेगी। और मैंने साथ ही जल्दी से मशीन में कपड़े भी डाल दिए, आई एम प्रो मैक्स माशाल्लाह कह दिया करें गाइस। और बच्चों बस अब हमदा वो देखो आ गई पीछे काम चेक करवाने, हमदा का काम चेक करती हूँ और इस तरह के छोटे छोटे से काम करती हूँ फेस पे। मैं 15 मिनट्स पैक लगाऊंगी और इसको फिर वॉश कर दूंगी और मेरी स्किन जो है वो चम 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 करेगी। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। भूत लग रही है, मैं भूत लग रही हूँ। गाइस मैंने ना वो वाला मास्क उतार के ना, तो थोड़ा सा मसाज कर, मसाज नहीं वो, उसको स्क्रब करके ना फेस पे, तो मैंने ये वाला दूसरा मास्क लगा लिया। तो रैन मुझे कह रही है कि ना भूत लग रही है माँ, भूत लग रही है। मैंने कहा अच्छा मैं गाइस को भी दिखाती हूँ, क्या मैं भूत लग रही हूँ गाइस, बताएं जरा कमेंट सेक्शन में बताएं क्या मैं भूत लग, मैं तो प्यारी हो रही हूँ, मैं तो प्यारी हो रही हूँ, भूत तो नहीं लग रही। ब्लैक भूत होता है ना, मम्मा व्हाइट भूत है, एक ब्लैक भूत होता है, मम्मा व्हाइट भूत बन गई है, भूत हूँ मैं। हम छोटे होते थे एक मूवी लगती होती, एक मूवी थी भूत वाली, उसमें गाना होता था भूत हूँ मैं। आप लोगों ने तंजुलिका मंजुलिका देखी है, हमने बहुत भूत वाली मूवीज देखी हैं, बहुत ज्यादा, हाँ हॉरर मूवीज इतनी ज्यादा देखी हैं। भूत हूँ मैं, भूत हूँ मैं। हाँ जी गाइस, हमने थोड़ी सी वॉक शॉक कर ली है और हुरैन ने अपनी साइकिल भी चला ली है। इधर देखो हुरैन, वालेकुम अस्सलाम। लो जी हुरैन जो है वो बाहर आके कोई नई हुरैन बन गई है, सलाम ले रही है। खैर अब हम जाने लगे हैं अंदर, जाके ना मैं खाना शाना दूँ और आपको भी दिखा दूँ। ये देखें जी, हमदा भी साइकिलिंग कर रही है। हाँ जी गाइस, बच्चों को मैंने लिटा दिया है और उन्होंने सुबह स्कूल जाना होता है, तो उनको वॉक करवाई और वॉक करवा के आके खाना शाना खिलाया। खाना शाना खिला के मैंने उन्हें कहा आप लोग सो जाओ। तो अब मुझे अचानक से याद आया बैठ के कि मैंने तो व्लॉग का एंड ही नहीं किया है, तो मैंने कहा मैं जल्दी से व्लॉग का एंड कर दूं। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलना है, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।